काम कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में एक मिशन हर प्रकार स्कूल पढ़ाने की योजना बनाई जा चुकी है, जिसके तहत जो लड़कियां हमारी बहने शादी के बाद आपसी अनबन के कारण अपने मायके में रह रही हैं, उनका सुलह समझौता कराया जाएगा। साथियों, ये हमारा कपटी समाज किसी से छिपा नहीं है, पूरे देश में गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। कई तकरीबन 13 राज्यों में सत्ती समाज के लोग रहते हैं और स्थानीय स्तर पर तो बड़ी जबरदस्त पहचान रखते हैं, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर अभी हमारी कोई बड़ी पहचान नहीं बन पाई है। अभी तकरीबन 2 साल पहले से तबलीगी समाज के मामले से एडवोकेट शाहिद अली साहब ने एक पहचान जरूर स्थापित की। मैं इस समाज को एक सलाह देता हूँ, जिस दिन ये समाज के नौजवान IAS बनेंगे, IPS बनेंगे और कैबिनेट मंत्री बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे, इस देश के लिए 100 पदक जीतेंगे और उनके नाम के आगे लिखा होगा गद्दी, तो लोग गूगल पर इस बिरादरी को सर्च करेंगे और फिर किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि हम गद्दी हैं। हमारा यह दुर्भाग्य रहा, इतने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद भी हमारा आज तक कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन पाया, और जो काम साहित्य और राजनीति में पिछड़ जाती है वो सिर्फ और सिर्फ अंधकार की इतिहास की काल कोठरी में दफन हो जाती है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। हमारे काम में गिने चुने साहित्यकार हैं, हम उन्हें भी फ्रंट पर लाना नहीं चाहते, और राजनीति में हम आज तक MP MLA के ऊपर सोच नहीं पाए, मंत्रिमंडल तक कोई नहीं पहुंचा। आखिर इसका कारण क्या है? इस पर बड़े स्तर पर डिबेट होना ही चाहिए। हमारे समाज के पढ़े लिखे और बुजुर्गों को इस मुद्दे पर बहस करना चाहिए। और अभी राजस्थान में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तकरीबन 6 जिलों में अच्छी खासी तादाद है इस बिरादरी की, लेकिन आपसी झूठ, अत्यधिक जिज्ञासा और लालच के कारण हम एक दूसरे के पैर पकड़ कर खींच लेते हैं और कोई टिकट भी नहीं पाता। 70 साल से राजस्थान की पूरी कौम लगभग एक ही पार्टी कांग्रेस को देती आई है, परंतु एक बार टिकट देने के अलावा आज तक कांग्रेस को कोई गलती नहीं दिखा कि उसे टिकट दिया जाए, चुनाव लड़ाया जाए। राजस्थान में इस बिरादरी को राजनीति की ओर आकर्षित करने वाले अपना ज्यादा कुछ न कह करके यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ महानुभाव शाहिद अली साहब, शाहिद साहब और भाई अजय वर्मा साहब को अपना समय देता हूँ। आप सब लोग पूरे धैर्य और निष्ठा के साथ उनकी बात सुने और उस पर अमल करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।